हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट, मतलब अट्रैक्टिव प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। हमें करना क्या है, हमको लेफ्ट साइड में जाना है, ऊपर के रिबन में ये देखिए फाइल टैब आपको यहाँ पर मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पर आपको मोर टैम्पलेट्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। एक बात ध्यान रखिए, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे सर्च में हमें टाइप करना है प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट, उसके बाद सर्च वाले इस सर्किल पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपके सामने प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट के बहुत सारे टैम्पलेट आ जाएंगे, ये देखिए। अब हम पहला ही वाला ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पिक्चर वगैरह दी है, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है ये। तो इस पर डबल क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक करिए और ये देखिए ये पेज पर आ चुका है। अब हमें सिंपल एडिटिंग करते जाना है, प्रोडक्ट का नाम, कंपनी की डिटेल वगैरह। यहाँ पर एक दूसरा भी है, इसको भी चेक कर लीजिए, ये देखिए। यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी डिटेल वगैरह एडिट करते जाना है और आपकी प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट जो है वो तैयार हो गई।